हेलो फ्रेंड्स, आज हमने टिक्कीज बनाई हैं और ये बहुत ही फ़ायदे की हैं। हमने इन्हें बहुत ही फ़ायदे वाली सब्जियों से बनाया है और एक ही टिक्की में 4 से 5 सब्जियों को हमने ऐड किया है इसमें। आइए बताते हैं आपको कैसे बनाई हैं हमने। और ये देखें, हमने 300 ग्राम के करीब बथुआ ले लिया है। बथुए की टिक्की बनाएंगे और कुछ और भी सब्जियां ऐड करेंगे। और ये हमने मीडियम साइज एक गोभी का फूल ले लिया है, कैबेज, और ये 2 आलू लेकर इसे पील करना है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और आलूओं को देखें, इस तरह से हम काट लेंगे, बस हमें इतना ही मोटा काटना है। और ये हमने कुछ मटर भी लिए हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरह से हमने गोभी को भी देखें मोटा मोटा काट लिया है। और ये सारी सब्जियां हमने अच्छे से धो ली हैं और हम इनको चॉप करेंगे चॉपर में डालकर। लेकिन सारी सब्जियों को हम एक साथ चॉप नहीं करेंगे, जितना जितना हमें जैसा चॉप करना है हम वैसे ही करेंगे। हमने ये 2 से 3 हरी मिर्चें देखें थोड़ी मोटी मोटी तोड़कर इसमें चॉपर में डाल दी। लेकिन सबसे पहले हमें जो मेन काम करना है वो ये है कि हमने एक बोल भरकर ये जो हमने बेसन लिया है ये लगभग 150 ग्राम के करीब है, और ये 2 स्पून भरकर हमने टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है लगभग 1/2 टीस्पून के करीब, और थोड़ी हींग और थोड़ी कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। नमक भी ऐड कर दिया है हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारे चीज़ें हम अच्छी तरह मिला लेंगे और फिर देखें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। एक साथ पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, और थोड़ा थोड़ा कर हमें पानी डालना है क्योंकि हमें इसमें सब्जियां भी ऐड करनी है और सब्जियां भी अपना पानी रिलीज करेंगी। तो हमें इस बैटर को थिक ही रखना है, थिन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखें हमने अच्छे से इस बैटर में पानी मिला लिया है, और देखें बस हम इतना ही थिक रखेंगे। और अब सारी सब्जियों को हम आपको दिखाते हैं, हम चॉपर में डालेंगे। ये हरी मिर्च तो हमने अभी डाली थी 2 से 3, और हम आपको दिखाते हैं हमें कितनी चॉप करनी है हर सब्जी। तो ये देखें हम पहले हरी मिर्चों को चॉप कर रहे हैं, और अभी दिखाते हैं आपको, हमें खूब अच्छी बारीक चॉप कर लेनी है। और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए चलाएंगे चॉपर को और बारीक पीस लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। इसी तरह आलू करेंगे, हमें जितने साइज में चाहिए ना इसी तरह से हम आलू भी चॉप कर लेंगे। और ये हम देखें बस हमें इस साइज में चाहिए, और ये भी हम मिला देंगे बेसन में। ये सारी सब्जियां हम मिलाते जा रहे हैं बेसन में। और उसके बाद हम बथुआ लेंगे और बथुए को अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम चॉप करेंगे, और ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमें बथुए को। और ये थोड़ा थोड़ा कर हम साइड्स में इसके इस तरह डाल देंगे। हमें एक साथ नहीं भरना है वरना चॉपर नहीं चल पाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह आप बारीक बारीक बथुआ काट भी सकते हैं। और ये देखें हमें प्रेस कर और रिलीज करते हुए इसे इस तरह पीसना है। एक साथ हमें नहीं लगातार पीसना है, थोड़ा रोक रोक कर जिस तरह से पल्स मोड पर हम करते हैं ना, इसी तरह से हम पीस लेंगे। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा इसमें अभी मोटा है बथुआ, हमें थोड़ा और फाइन चाहिए। तो हम थोड़ा सा और अभी 2 बार इसे पीस लेंगे, 2 से 3 राउंड में इसे अच्छी तरह पीस कर ये भी हम बेसन में मिला देंगे। और ये देखें इस तरह से हो गया है ये, और अभी भी थोड़ा सा और हम इसे चलाएंगे। और
उसके बाद बेसन में मिलाएंगे। इसे भी मैं थोड़ा सा पल्स मोड की तरह ही चलाकर पीस लूंगी। ये एक दो पत्ते थोड़े बड़े रह गए, इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे हम ये इस तरह से, और मिला देंगे बेसन में। और अब हमारा बचा है गोभी, और अब हम गोभी को भी मिला देंगे इसमें, इसी तरह से डाल देंगे। ये तो एक दो हमारे आलू के पीसेस रह गए थे, वो भी अब इसी के साथ चॉप हो जाएंगे। देखें तो गोभी को भी हमें बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो अब ये गोभी को भी हमने डाल दिया है, और इसे भी थोड़ा रोकते हुए इसी तरह पीसेंगे। आप इन सब्जियों को चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं नाइफ की हेल्प से, और चॉप भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं। लेकिन आपको ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटा सब्जियों को काटना है, बल्कि बस मीडियम साइज ही रखना है। अभी थोड़े से इसमें देखें पत्ते रह गए हैं, थोड़ा सा एक बार और चला लेंगे इसे तो अच्छे से पिस जाएंगी। और ये देखिए इसे रोकते हुए और रिलीज करते हुए हमने पीस लेना है। ये भी पिस गई देखें, और ये एक दो पत्ते बड़े थे तो इसे थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से पिस जाए। और इसी तरह से उसके बाद हम मिलाने के बाद टिक्कीस को सेकेंगे। इधर हमने गैस पर पैन रख दिया है, और अब हम इसको सारी सब्जियों को देखें मिलाएंगे खूब अच्छी तरह, लेकिन स्पून से अच्छी तरह नहीं मिल पाएंगी। तो थोड़ा सा हाथों को साफ करने के बाद आप अच्छे से इसकी नीडिंग कर लें, खूब सब्जियां मिला लें इसमें, तभी बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा, और ये तभी अच्छे से बन पाएंगी जब सारी सब्जियां एक दूसरे में मिल जाएंगी। और ये देखें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा फुल्की टाइप का ना वो बैटर लेंगे, और उठाकर इसे तवे में डाल देंगे, और देखें इस तरह से हाथ से हम थोड़ा फैला देंगे, टिक्की की शेप दे देंगे। हमें कोई रेगुलर शेप तो रखनी नहीं है टिक्की की, तो पहले हम डो को ऐसे ही डालेंगे फुल्की की शेप में मोटा मोटा, और हाथ से फिर उस इस तरह से देखें फैला देंगे। और हमें बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी टिक्कीज रखनी है, बस इसी तरह से रखनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तभी अच्छे से सेक पाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा मोटी रखेंगे तो हमारा बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये जो हमने मटर आपको दिखाए थे ना, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इस तरह से टिक्कीस के ऊपर रख दें, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरह से। और ये आप देखिएगा बहुत जल्दी स्टीम हो जाएंगे। और ये हमने टर्न कर दी है, बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना 2 स्पून, तो उससे ही बहुत अच्छी क्रिस्पी बन गई हैं, और बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इन्हें हरी चटनी से, टमाटो केचप से खाइएगा, और इमली की चटनी से ही बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें रोटी से भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और बहुत ही देखें ईजिली बन गई। और अब हम इन्हें टर्न कर देंगे, और हमें बथवे को ना तो उबालना है ना पीसना है, हमने डायरेक्ट बथवे का यूज़ कर लिया। और देखें बथवा और ये सारी सब्जियां जो हमने इसमें यूज़ की हैं ना, बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं ये हमारी सेहत के लिए, और ख़ासकर जाड़ों में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारा तेल इसमें अब्सॉर्ब हो गया था, तो हमने थोड़ा सा तेल और डाला है। आप जितने भी तेल में आप इसे चाहें, कम से कम तेल में भी आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो ये डीप फ्राइड हैं, और बहुत ही फायदे की हैं,
और ये शैलो फ्राई देखिए बनकर हमने तैयार बनाकर कर ली हैं। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप भी बनाइएगा। पूरे सीज़न जाड़ों में तो बथुआ आता ही है, आप बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ज़रूर बनाइए। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिए, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं।